हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी, पहली तस्वीर आई सामने। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में एक निजी समारोह में डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी कर ली है, जिसकी पहली तस्वीर सामने आई है। इस शादी में दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए थे। मान ने इससे पहले इंदरप्रीत कौर से शादी की थी, जिनसे 2015 में उनका तलाक हो गया था। पहली शादी से सीएम मान के दो बच्चे हैं। गेहूं के बाद केंद्र ने अब आटे व अन्य संबंधित उत्पादों के निर्यात पर लगाए प्रतिबंध। जी हां, केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद अब गेहूं के आटे व कुछ संबंधित उत्पादों जैसे मैदा, सूजी आदि के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। बता दें कि केंद्र ने सभी निर्यातकों के लिए किसी भी आउटबाउंड शिपमेंट से पहले गेहूं निर्यात पर अंतर मंत्रालयीय समिति से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय 12 जुलाई से प्रभावी होगा। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर गोवा में बंधुआ हिंदुओं का धर्मांतरण। जी हां, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार के सत्ता संभालने के 100 दिनों के भीतर राज्य में हिंदुओं का धर्मांतरण बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने धर्मांतरण पर सख्त रवैया अपनाया है, हिंदुओं के धर्मांतरण को रोका जो कि पहले होता था। बकौल सावंत, अवैध भूमि अधिग्रहण की जाँच के लिए SIT गठित की गयी है। शिवसेना ने लोकसभा में राजन विचारे को अपना चीफ व्हिप किया नामित। जी हां, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भावना गवली को हटाकर राजन विचारे को लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप नामित किया है। गवली पार्टी के उन सांसदों में से एक थी जिन्होंने सुझाव दिया था कि शिवसेना को BJP के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। गौरतलब है कि शिवसेना के लोकसभा में 18 व राज्यसभा में 3 सांसद हैं। 48 घंटे से भी कम समय में 50 से अधिक सांसदों ने छोड़ी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सरकार। जी हां, 48 घंटे से भी कम समय में 50 से अधिक सांसदों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार छोड़ दी है। इससे पहले माइकल गोव द्वारा प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए कहे जाने पर जॉनसन ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। पद छोड़ने वालों में स्वास्थ्य मंत्री साजिद वाजिद और वित्त मंत्री ऋषि सुनक भी शामिल हैं। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, विधायकों के बाद इन लोगों ने थामा शिंदे गुट का हाथ। जी हां, महाराष्ट्र में अब एक और घमासान शुरू हो गया है। सियासी तूफान से उठी चिंगारी ने शिवसेना के अंदर आग लगा दी है। पहले विधायक और अब 66 कॉरपोरेटर यानी नगर सेवकों ने उद्धव ठाकरे से दूरी बना ली है। इससे पार्टी में हलचल मच गई है। जानकारी के मुताबिक 66 कॉरपोरेटर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। PT उषा व बाहुबली के लेखक विजेंद्र प्रसाद समेत 4 लोग राज्यसभा के लिए किए गए मनोनीत। जी हां, पूर्व भारतीय धावक PT उषा, म्यूजिक कंपोजर व सिंगर इलैया राजा, समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े और स्क्रीन राइटर डायरेक्टर KV विजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने बाहुबली व RRR फिल्म लिखी थी, उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके चारों लोगों को बधाई दी है। मनोनीत हुए 4 लोगों में 2 पद्म विभूषण व 1 पद्मश्री से सम्मानित शख्सियत शामिल हैं। बता दें कि चारों दक्षिण भारतीय राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।